छतरपुर में एमबीबीएस छात्रा शिवरंजनी तिवारी की पदयात्रा की सच्चाई सामने आई है। गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक धीरेन कृष्ण शास्त्री के साथ विवाह का संकल्प लेकर आई शिवरंजनी ने अपना संकल्प ही बदल दिया। क्या कुछ दिनों से चर्चा में आई शिवरंजनी के संकल्प की जगह 6 महीने पहले पिता और भाई का अपमान का बदला लेने के लिए निकाली थी यात्रा। उनके पिता बैजनाथ तिवारी ने इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में बता दिया। उनका कहना है कि वह बागेश्वर धाम अपने मार्कंडेय तेल की दुकान बागेश्वर धाम में लगाई थी। 2 दिन तक उन्होंने खूब तेल बेचा और भाई अपने लड़का के जनेऊ संस्कार के लिए राम दरबार में पैसे लेकर धीरेन कृष्ण शास्त्री के पास गए तो उन्होंने रुपये लेने से इनकार कर दिया और उनके सेवादारों ने उनके परिवार को दुकान सहित बागेश्वर धाम से भगा दिया। तो क्या इसी अपमान का बदला लेने उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया और यह सब प्रपंच रच दिया। इस बारे में शिवरंजनी से बात की गई तो घटना तो वह बतलाती हैं और उनके पिता के साथ क्या यह बताने से इनकार करती रहीं। पिताजी, नवंबर में मैं और मेरा बेटा दर्शन के लिए पहली बार बागेश्वर धाम सरकार गए और कुछ कुछ वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम गौशाला में निःशुल्क तेल बांटते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे अभी बागेश्वर धाम में भी दर्शन किए तेल के, वहाँ पर एक दिन राम दरबार में महाराज जी ने स्वयं पास में करवाई, पूज्य महाराज जी ने स्वयं राम दरबार में बोला कि वहाँ तेल मिल रहा। तेल कहाँ मिला था? एक परिक्रमा मार्ग में नारियल वितरण केंद्र था का या मंदिर का जो होगा नारियल वितरण केंद्र बना हुआ कमरा जैसा स्टील का शेड, उसके अंदर हमने 2 दिन तक तेल लोगों को दिया। तो जब अंदर बैठाया गया हमको तो किसकी समिति किसकी परमिशन से बैठा होगा, किसकी सहमति, महाराज जी की परमिशन, कोई बात हुई थी आपकी जवाब सुने सुने बताना पूरी बात ना। तो जब अंदर बैठ के अगर हम दे रहे हैं 2 दिन तक मैं और मेरा बेटा, तो सहमति किसकी होगी? महाराज जी की, ट्रस्ट की, समिति, जो भी वहां के समिति के लोग। 2 दिन तक दिया और मैं हमने मेरे बालक का जनेऊ कराने के चक्कर में गए थे कि चलो जनेऊ कराएंगे। उसकी जो राशि जमा हुई उसको हमने टब में जमा किया। कितना जमा? कितनी राशि थी वो पता नहीं, लगभग 300-400-500 बोतल देखिए 30-35 हजार समथिंग, उसको गिना नहीं था हमने। और हमने सबको बताया था समिति के लोगों को कि ये जो पैसा है ये अन्नपूर्णा क्षेत्र में मेरे बेटे का जनेऊ होएगा तो उसके लिए है। ये सबके बीच में कहा और बीच बीच में जैसे मेरा बेटा स्नान करने चला गया हम लोग चले गए तो वहां पर जो राशि जमा हुई वो उनके धाम के भी लोगों ने बेच के उसे जमा कर दिया। देखा तो गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को, काफी लोगों को हमने इसके बाद क्या हुआ फ्री में दिया। उसके बाद जब पैसे देने की बात आई और हमने कहा कि भाई हमें वहां पर पहुंचा दीजिए क्योंकि गुरु जी तक मेरा बेटा देना चाहता है। गुरु जी तक हमको पहुंचाया गया, हम गए गुरु जी को, उन्होंने कहा, मैंने कहा गुरु जी ये दक्षिणा है कितना है क्या इसका तो गिना हुआ नहीं है लेकिन जो भी है आप रखिए। तो गुरुदेव जी ने वापस किया मुझे, बोलिए अरे अरे इसको रख, मेरे बेटे के हाथ में दिया, बोले इसको रखिए रखिए जो भी है इसकी जरूरत नहीं है, अब जब तुम भविष्य में बहुत कमा लोगे बड़े हो जाओगे। तो मेरे बेटे ने गुरुदेव जी को बांसुरी भी सुनाई। इसके बाद कि आपको अपमानित करने की बात कहां से? अपमानित करने की बात में ऐसी हुई कि जब मैं सभी दे के नीचे आ गया, जब मैं पेशा बनाया गुरु जी से मुझे मिलना है तो हमने दक्षिणा दे के मेरा बालक और हम लोग निकल गए। उसके बाद जब निकलने के बाद हम लोग नीचे आए और फिर वहां पे ये हुआ विश्राम, तो मेरे मार्कंडेय तेल में अपना मार्कंडेय ऋषि जो आप जानते हैं ऋषि जी का चित्र लगा था। तो फिर उसमें विवादास्पद हुआ कि आप यहाँ तेल पर तेल मत बेचिए, पहले तो आपने नारियल केंद्र के अंदर अपने समिति का जो ट्रस्ट के अंदर का जो जगह है ये पूरा बागेश्वर धाम जानता है, पूरे लोग जानते हैं, 3 दिन तक तो अंदर बेचे, दान भी दिया, अनाथ गरीब सबको भी दिया, किसी लोगों को 100 रुपये में तेल गुड़ सबको दिया। उसके बाद में बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद में फिर वहां से हमको धमकी लगी, जैसे मेरा बालक छोटा था मिला उससे कहा गया तुम निकलते नहीं निकलते। धमकी किसने दी आपको? बहुत सारे चलते फिरते जो लोग कोई भी विवाद करने वाला मुख्य सेवादार कौन था? कोई ऐसा एक आदमी ना आके मुझको ये नहीं, कौन थे सेवादार थे या आम यही सारी चीजें बतानी, आम आदमी नहीं, परिक्रमा बहुत सारे लोग महाराज जी से आप देखो महाराज जी ने आपको बाहर कर दिया कि हमें पैसा नहीं चाहिए। इसके बाद महाराज जी को जब मेरे बालक ने
बांसुरी सुनाया और दक्षिणा दिया, तो बोले कि इसको अभी रखिए, जब बहुत बड़े बाहर आकर आपको धमकी किसने दी, मैं वही बाहर आने में तुरंत धमकी नहीं, जब दूसरे दिन जब वहां पर खड़े होने की बात आई तो हमें समिति के लोगों ने कहा कि आप यहां से बाहर हो जाएंगे, तो हम लोग बाहर हो गए क्योंकि आपका था, आपने मना कर दिया, ठीक वैसे भी कोई परमानेंट हम बिजनेस करने मैंने आगे, ये तो 6-8-10 महीने पहले की बात हो गई, आपको अपमानित करने का धमकी बात आपने, धमकी किसने दी आपको, लोगों ने लोगों ने हमसे कहा बाहर निकल, अच्छा उसमें नहीं आपने बाहर आने के बाद हमें वहां से कहा गया भी आप निकल जाए, हम निकल गए वहां से भाई, आपके कंपाउंड के अंदर में, आपकी शॉप के अंदर में, या जैसे अगर आपका कोई चेंबर बना हुआ है उसके अंदर अगर आप कोई खड़ा रहेगा तो आप जब परमिशन दोगे तभी ना कोई खड़ा हो पाएगा।